हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरकान पंचाल और आप मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल हिंदी सीरीज में। हिंदी सीरीज में आज हम लोगों का जो सेशन है इसका नाम है वर्ब ग्रुप विद डोमेन। वेल, वैसे अगर देखा जाए तो टॉपिक बहुत ही बेसिक है, लेकिन अगर समझा जाए तो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग भी है। और स्पेशली अगर हम सर्वर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वर्ब ग्रुप और डोमेन में क्या डिफरेंस है। और स्पेशली अगर हम बिगनर हैं तो अगर आप बिगनर हैं तो आज का सेशन बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्पेशली ये सेशन आप लोगों के लिए खास होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी हम बात करते हैं नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो अक्सर हम लोगों के सामने एक वर्ड सामने आता है, वो है टोपोलॉजी, राइट? अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो आई एम डैम श्योर कि हल्की-हल्की आप लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही होगी, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेटवर्किंग के अंदर टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आपने किस तरीके का नेटवर्क सेटअप अपने यहां इंप्लीमेंट किया, उसके लॉजिकल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टोपोलॉजी रिप्रेजेंट करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, यानी फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में बात करूं, तो हमारे पास जो टोपोलॉजी और अक्सर जो हमने सबसे ज्यादा किताबों में पढ़ी है वो है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, राइट? और भी बहुत सारी हमारे पास टोपोलॉजी है, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, राइट? क्लियर है तक कहानी? इनके अलावा भी आपको बहुत सारी टोपोलॉजी और भी मिल जाएंगी, लेकिन आज के सेशन में हम फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉजिकल टोपोलॉजी के बारे में, यानी कि वर्ग ग्रुप और डोमेन, राइट? वर्ग ग्रुप और डोमेन के बारे में डिफरेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि जहां वर्ग ग्रुप एनवायरमेंट अगर आपने सेटअप करना है तो उसके लिए कुछ करना ही नहीं होता, बस आप सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर दो, हो गया, यानी कि बहुत सस्ती टोपोलॉजी है। वेयर एज डोमेन एनवायरमेंट में अगर मैं बात करता हूं तो डोमेन एनवायरमेंट आपका कॉस्टली होता है, डोमेन टोपोलॉजी कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि यहां डोमेन एनवायरमेंट सेटअप करने के लिए आपको अपने नेटवर्क में एटलीस्ट एक सर्वर चाहिए। सर्वर का मतलब यह नहीं है कि आपको हार्डवेयर भी सर्वर ही परचेज करना पड़ेगा, आप एक सिंपल नॉर्मल डेस्कटॉप को या लैपटॉप को भी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर बना सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपका यूज कितना है, लोड कितना है, राइट? यहां बात हो रही है केवल सर्वर ओएस की, यानी कि आपको यहां डोमेन एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डेडिकेटेड मशीन चाहिए जिस पर आप एक रोल इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अगर आपने ऑलरेडी सर्वर्स पे काम किया हुआ और आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर को वर्ग ग्रुप से डोमेन में कैसे प्रमोट करते हैं तो बखूबी समझ गए होंगे कि वर्ग ग्रुप से डोमेन में कैसे प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो हम बहुत जल्द इस सीरीज हिंदी सीरीज के अंदर इस टॉपिक पर भी जाएंगे कि वर्ग ग्रुप से डोमेन में अपने कंप्यूटर को किस तरीके से प्रमोट करें, यानी एक्टिव डायरेक्टरी को किस तरीके से इंस्टॉल करें, राइट? दूसरा डिफरेंस वर्ग ग्रुप और डोमेन के अंदर यह है कि वर्ग ग्रुप के अंदर हमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉयज हैं, तो मुझे 10 कंप्यूटर्स होंगे, उन 10 कंप्यूटर्स पर जाकर 10 एम्प्लॉयज क्रिएट करने पड़ेंगे और इंडिविजुअल क्रिएट करने पड़ेंगे। इंडिविजुअल का मतलब हर कंप्यूटर पर जाकर 10 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी फिक्स नहीं है कि कौन सा यूजर यानी कि एम्प्लॉय किस कंप्यूटर पर बैठेगा। तो फर्स्ट कंप्यूटर पर जाऊंगा 10 यूजर अकाउंट क्रिएट करूंगा, दूसरे कंप्यूटर पर जाऊंगा 10 यूजर अकाउंट क्रिएट करूंगा, तो इससे मेरा काम आसान हो रहा है या बढ़ रहा है? अगर मैं अपनी कंपनी के अंदर आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हूं, आप ही समझदार हैं, आप लोग ही इसके बारे में आंसरिंग कर सकते हैं, राइट? सो मेरा काम यहां बढ़ रहा है। वेयर एज डोमेन एनवायरमेंट में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, यानी कि एक डेडिकेटेड कंप्यूटर जिस पर अभी हमने वर्ग ग्रुप से डोमेन में प्रमोट किया था डोमेन कंट्रोलर, उस पर बैठकर यूजर अकाउंट क्रिएट कर दो और अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर किस पर आकर यूजर आपका बैठने वाला है, एम्प्लॉय बैठने वाला है, बशर्ते वो कंप्यूटर्स भी डोमेन में प्रमोट होने चाहिए। तो ये सारी चीजें डोमेन में कैसे प्रमोट होती है इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आगे के सेशन में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे डीपली, राइट? बट यहां पर अभी मुद्दा यह है आज के सेशन में कि वर्ग ग्रुप और डोमेन के बारे में हमें समझ में आना चाहिए, राइट? अब बात करें सिक्योरिटी के प्रोस्पेरस। सो माइक्रोसॉफ्ट ओएस के अंदर, वैसे तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक इनबिल्ट सिक्योरिटी होती है, वो है फायरवॉल। आप अलाउ कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं,
या फिर आप कर सकते हैं कि भैया मैं कस्टमाइजेशन रूल बना लेता हूं और उसके बिहाफ पर मैं परमिशन लगा दूंगा फायरवॉल के अंदर। तो विंडोज बेस पर अगर काम कर रहे हैं तो भी, और लिनक्स बेस पर काम कर रहे हैं तो भी, वर्कग्रुप में क्या होगा, आपको इंडिविजुअली ये रूल बनाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, अलाउ करना पड़ेगा या ब्लॉक करना पड़ेगा इंडिविजुअल। वेयर एज डोमेन एनवायरमेंट में काम करेंगे तो ये सारा काम भी सेंट्रलाइज होता है, यानी कि आपने अपनी कंपनी के अंदर एक डेडिकेटेड फायरवॉल लगा दिया। अब जो भी कंटेंट या कंटेक्स्ट जा रहा है या नेटवर्किंग का, नेटवर्क के अंदर जो भी पैकेट जा रहा है उससे फिल्टर होकर जाएगा। सो आपने जो भी रूल इंप्लीमेंट किए होंगे उस फायरवॉल पे, वो सारा का सारा इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो देखा जाए तो एज कंपैरिजन, वर्क ग्रुप के कंपैरिजन डोमेन एनवायरमेंट ज्यादा इजीएस्ट है, ज्यादा बेस्ट है, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह आती है कि डोमेन एनवायरमेंट थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और डोमेन एनवायरमेंट को वैसे तो हम छोटे एनवायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं, बड़े में भी यूज कर सकते हैं, और बड़े का मतलब भी ये नहीं पता कि हमें कितना बड़ा, एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डोमेन एनवायरमेंट में आ सकते हैं। वेयर एज अगर मैं वर्क ग्रुप के बारे में बात करता हूं तो वर्क ग्रुप के अंदर हम कह सकते हैं कि 5-10 कंप्यूटर या मैक्सिमम 20 कंप्यूटर, अगर 20 से ज्यादा आप अक्रॉस करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डोमेन एनवायरमेंट को जरूर यूज करें, उसमें आप लोगों का ही बेनिफिट होने वाला है, राइट। सो आज का सेशन आज हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम का आपको लिंक दिख रहा होगा यहां पर। सो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके आप मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है तो सजेशंस दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। और इन द लास्ट, आज के सेशन में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा यार भाई लोगों सभी, प्लीज बी सेफ फ्रॉम कोरोना।